हेलो व्यूअर्स, आज आपके लिए मैं रीडिंग लेकर आ गई हूँ। गाइस, हम देखेंगे आने वाले समय में जो सितंबर मंथ है उसमें कौन सी चीज़ें आपकी पूरी होने वाली है। अगर आपने कोई प्लानिंग करके रखी है, बहुत टाइम से आप किसी चीज़ में अगर एफर्ट्स लगा रहे हैं, तो क्या होगा उसका नतीजा, उसका रिज़ल्ट क्या होगा, इन चीज़ों पर हम रीडिंग कर लेंगे। हम ये भी देखेंगे गाइस कि आपने पास्ट में इसमें कितने किस वे में एफ़र्ट्स लगाए हैं, उसका ऑलमोस्ट कितना परसेंट आपको मिलेगा, उसका फल कितना मिलेगा, ये भी सारी चीज़ें हम देख लेंगे। सभी साइंस के लिए रीडिंग है गाइस, फिर भी इसमें जो भी साइन आएंगे वो सारे साइंस मैं आपको बता दूंगी। ऑल्सो टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आप इस रीडिंग पर आएंगे आपके सिचुएशन के साथ मैच करेगी और आपको कुछ ना कुछ गाइडेंस यहाँ पर मिलेगा। चलिए देख लेते हैं बिना देर किए करंट एनर्जी और फ्यूचर एनर्जी आपकी लाइफ में क्या होने वाली है आने वाले टाइम में। यहाँ पर तो गाइज मुझे यही पता चल रहा है कि बहुत ज़्यादा आपने देखिए एफ़र्ट्स लगाए हैं, कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ ऐसे ब्लॉकेजेस आपकी लाइफ में थे जो कि उस ब्लॉकेजेस को ओपन करना इट वाज नॉट दैट इजी, बट आपने इतने अच्छे एफ़र्ट्स लगाए और आपके एफ़र्ट्स मुझे हार्श वे में नहीं दिखाई दे रहे हैं, बहुत ही सॉफ्ट वे में आपने एफ़र्ट्स लगाए हैं। ऑल्सो जहाँ पर हो सकता था कि आर्ग्यूमेंट होने का कुछ चांसेस था, वहाँ पर भी आपने बहुत ही धीरज से और बहुत ही प्यार से आपने अपनी सिचुएशन को टैकल किया, अपनी सिचुएशन को हैंडल किया है, जिसका नतीजा अब यहाँ पर लग रहा है कि सितंबर मंथ में आपको एक एप्रिसिएशन की एनर्जी आई है। इस टाइम पे जो भी आप एफर्ट्स लगा रहे थे, हो सकता है लोगों ने आपको नहीं नोटिस किया, आपको नहीं देखा, देखते थे बट वो इतना ज़्यादा आपको ना क्या कहते हैं उसे नोटिस नहीं कर पाते थे कि हाँ ये बंदा या ये बंदी बहुत ज़्यादा एफ़र्ट्स लगा रही है। लेकिन अब आने वाले टाइम पे जो भी आपने अपने पास्ट में किया, ये सारी चीज़ें लोगों को रिमाइंड होगी, ये सारी चीज़ें लोगों को समझ में आएगा कि जो भी अभी इस स्टेज पर वो इस सक्सेस में जो पहुँचे हैं या आप अपने इतने सक्सेस में पहुँचे हैं, वो बिकॉज ऑफ आपने बहुत ही अच्छे एफ़र्ट्स यहाँ पर आपके पास्ट में लगाए हुए हैं। तो यहाँ पर तो मुझे लग रहा है गाइस कि किसी चीज़ को लेकर आपने बहुत ज़्यादा एफ़र्ट्स किए थे और वो चीज़ें तो सितंबर मंथ में मुझे पूरी होती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है, प्लस एप्रिसिएशन मिलते हुए दिखाई दे रहा है, आपके काम को लोग देखेंगे, तो ये तो सितंबर मंथ में हो रहा है। चलिए देख लेते हैं और डिटेल में। आपको ना गाइस कुछ ऐसी भी क्लैरिटी मिली है इस वक्त, मतलब ये रिसेंट एनर्जी हो सकती है, किसी पर्सन के साथ में हो सकती है ये क्लैरिटी, या किसी सिचुएशन के साथ में हो सकती है। आप अब उस सिचुएशन से बहुत जल्दी दूर जाना चाहते हैं, या कुछ मुझे नेगेटिव ऐसी सिचुएशन लग रही है जिससे आप बहुत ज़्यादा दूर जाना चाहते हैं, या तो फिर आप चाहते हैं कि ये चीज़ें अब ख़त्म हो जाए आपकी लाइफ से, कुछ स्ट्रेसफुल सिचुएशन आपके, आप चाहते हैं कि ये ख़त्म हो जाए। तो मैं सबसे पहले आपको यहाँ पे साइंस बता देती हूँ गाइस। यहाँ पर जो साइंस आया है वो आया है एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मतलब मेष, सिंह और धनु राशि। इसके अलावा आया है पाइसेस, स्कॉर्पियो, कैंसर, मीन, वृश्चिक और कर्क राशि। ना यहाँ पे फायर साइन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, लियो और लिब्रा भी यहाँ पर स्ट्रॉन्ग है। तो ये रिसेंट पास्ट में हो सकता है, या फिर अभी आपकी लाइफ में ये एक ऐसा मोमेंट चल रहा है कि जहाँ पे आपको इतनी ज़्यादा क्लैरिटी आ गई है किसी सिचुएशन को लेकर या किसी पर्सन को लेकर जो कि पहले नहीं थी। अब क्योंकि आपको ये क्लैरिटी मिल गई है, आप चाहते हैं कि आप इस सिचुएशन से बाहर निकालें, आप इतने एफ़र्ट्स लगाएं जो कि आप इस सिचुएशन से बाहर निकल पाए। इसी के क्लैरिटी के साथ साथ भी आपको हो सकता है किसी पर्सन का साथ यहाँ पे मिल रहा हो, या फिर कुछ ऐसे आइडियाज़ आए हो कि आप इस सिचुएशन से बाहर निकल पाओ। और इसी के साथ साथ गाइज मुझे सक्सेस भी, देखिए सक्सेस का भी कार्ड यहाँ पर आया, सिक्स ऑफ माइंड्स का कार्ड है, आप सक्सेसफुली यहाँ से निकल जाएंगे गाइज। मुझे ऐसा लगता है ना कि कुछ ऐसा आपके लाइफ में हुआ है, आपके करियर में हो सकता है, आपके पर्सनल लाइफ में हो सकता है, ये हम आपका रिसेंट पास्ट या फिर प्रेजेंट एनर्जी देख रहे हैं कि एक ऐसे पर्सन जिसको कहीं ना कहीं आपने बहुत अच्छा समझा था, आपके साथ में बहुत ज़्यादा क्लोज़ हुए थे, बट क्योंकि अब आपको उनका ट्रू फेस दिख गया है, अब आपके दिल में ये एक चीज़ है कि आप वहाँ से बाहर निकल जाएं,
क्योंकि एक चीज़ यहाँ पर समझ में आ रही है कि आप अगर इनके साथ में रह गए तो पहली बात खुश नहीं रह पाएंगे, दूसरा आपको एक इनसिक्योरिटी रहेगी कि कहीं आपकी बात इधर से उधर ना कर दे किसी वे में, ऐसा होता ना तोड़ मरोड़ के बता देते हैं, इस टाइप का ना हो जाए। तो इसलिए आप है ना अब आप अपने वे में जा रहे हैं, अब आपको इनसे कोई मतलब नहीं है, या इन्हीं के साथ साथ अगर कोई और भी सिचुएशन या कोई और भी पर्सन है, अब आप उनको ज़्यादा इंटरटेन नहीं करेंगे, ना खुद उनके द्वारा खुद आप एंटरटेन होंगे। इसलिए जस्टिस का कार्ड भी आया है और टू ऑफ कप्स भी यहाँ पर आया है, क्योंकि आप ये सिचुएशन से आप निकल रहे हैं। और ये जो भी सिचुएशन हुई है ना गाइज, ये कार्मिक सिचुएशन थी, या आप चाहते भी तो भी ये सिचुएशन आपकी लाइफ में आती, या अगर आप नहीं चाहते तो भी आती, तो ये एक कार्मिक सिचुएशन आपकी लाइफ में थी जो कि अब ये टाइम चला गया है, और अब आपके लाइफ में जस्टिस भी आ रहा है, टू ऑफ कप्स भी आ रहा है। आपके लाइफ में एक ऐसे पर्सन की मैं एंट्री होते हुए देख पा रही हूँ जो एक्चुअली आपके लिए बने हुए हैं, आपके बेस्ट फ्रेंड हो सकते हैं, आपके हस्बैंड या वाइफ हो सकता है, आपकी शादी पक्की हो जाए, या कोई ऐसे फ्रेंड जो कि बहुत ज़्यादा आपको टेलीपैथी कनेक्शन भी उनका हो सकता है, और काफ़ी ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ भी हो सकती है, और काफ़ी अच्छी आप दोनों की जमेगी। ये भी हो सकता है कि ये ऑलरेडी आप इस पर्सन को बहुत पहले से जानते हैं, लेकिन अब आने वाले टाइम में आपकी उनके साथ में क्लोजनेस बढ़ेगी। चलिए और देख लेते हैं थोड़ा डिटेल में। यहाँ पर गाइज मुझे ना आपकी लाइफ जो ऐसी दिख रही है, मतलब अभी तक की एनर्जी बहुत ज़्यादा दौड़ भाग वाली मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। दौड़ भाग इन द सेंस हम क्या कह सकते हैं कि कुछ ऐसे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ या कुछ ऐसी चीज़ें जो कि आपको ही करनी है आपकी लाइफ में, बाकी और तो कोई भी नहीं कर सकता। हो सकता है कुछ नेगेटिव ख्याल आपके दिमाग में आएगा इस आने वाले टाइम पे, तो आपको नेगेटिव ख्यालों के बारे में सोचना नहीं है, कुछ नेगेटिव ख्याल आ सकते हैं। पेज ऑफ सॉर्ड ये है, बॉटम ऑफ द डेक साइंस में आपको यहाँ पे बता देती हूँ गाइस, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन वृषभ कन्या और मकर राशि यहाँ पर आई है। इसी के साथ साथ एयर साइन भी आए, तुला कुंभ और मिथुन मतलब लिब्रा एक्वेरियस जेमिनी भी यहाँ पर आए हैं। एंड पाइसेस स्कॉर्पियो कैंसर मीन वृश्चिक और कर्क राशि भी यहाँ पर आई है। तो अब आने वाले टाइम में क्या होगा गाइस, देखिए आप इनसे तो दूर जा रहे हैं, लेकिन आपको आने वाले टाइम में थोड़ा सा ट्रस्ट इश्यूज़ भी यहाँ पर हो सकता है, क्योंकि आपके पास्ट एक्सपीरियंस इस तरीके के है, तो आप ना बहुत ही मुश्किल से किसी पर ट्रस्ट कर पाएंगे। और हो सकता है कि अपने पास्ट, देखिए आप में से कई लोगों के बारे में मुझे ये भी लग रहा है कि पास्ट में जो चीज़ें हुई है, अगर आप पास्ट में किसी को पसंद करते थे, उस पर्सन ने आपको चीट किया है, फिर भी आप उनके पास में जा सकते हैं। ये मुझे यहाँ पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन आ रहा है, आपको नहीं करना है गाइज़। अगर आप पास्ट में चले गए तो इस एनर्जी में आप आ जाएंगे गाइज, इस एनर्जी में आपको नहीं आना है। जब आपको पता है एक बार आपको वहाँ से उस सिचुएशन से उस पर्सन से अगर धोखा मिला, तो बार बार आपको वहाँ पर नहीं जाना है गाइज। इसके अलावा कई ऐसे लोग मुझे, ऐसे लोग जो कि शायद अकेले रहते हैं कहीं जॉब या बिज़नेस के सिलसिले में, आप जो अकेले रह रहे हैं ना, आपके मन में भी कुछ नेगेटिव ख्याल आ सकते हैं गाइस, कोई नेगेटिव ख्याल आपको घेर सकते हैं। आप जितना हो सके आप सोशल होने की कोशिश, सोशलाइज होने की कोशिश कीजिए गाइस, तो आपके लिए वो अच्छा होगा। इसी के साथ साथ आने वाले टाइम में मुझे ऐसा लग रहा है एक से ज़्यादा कुछ आपको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, जहाँ पे आपके पास में चॉइसेस होगी कि आपको ये काम करना है या वो काम करना है ना। जॉब के आपके आपको एक से ज़्यादा ऑफर आ सकते हैं, कोई बिज़नेस अगर आप ओपन कर रहे हैं तो एक से ज़्यादा पार्टनर्स आपको मिल सकते हैं, कहीं आप अगर वर्ल्ड टूर पे वगैरह जा रहे हो तो आपको एक से ज़्यादा ऑप्शन मिल सकते हैं, सेम बजट में यहाँ जाए या वहाँ जाए, कुछ ऐसा मुझे एक से ज़्यादा ऑप्शन आपके लाइफ में आते हुए दिखाई दे रहा है। एक और चीज़ जो यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली मुझे दिखाई दे रही है गाइज, आप अपने लाइफ का जो रिमोट है, आप अपने गाड़ी का जो हैंडल है, वो अब आप अपने पास में रखेंगे। अब आप किसी को भी अपनी खुशियों को सौंपेंगे नहीं, किसी से एक्सपेक्टेशन नहीं करेंगे आने वाले टाइम में। स्पेशली सितंबर से मुझे चेंजेस आपके अंदर बहुत ज़्यादा आते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक्सपेक्टेशन आपकी बिल्कुल ही नहीं के बराबर हो जाएगी, आपको जो करना है आप बिना किसी से पूछे वो करेंगे, क्योंकि आप यहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट दिखाई दे रहे हैं, तो बिना किसी से पूछे आप ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ पे करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपके डिसीजन राइट ही होंगे, क्योंकि आपके पास में अब काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस आ गया है गाइस, जो भी आप गॉन थ्रू हुए ना, बहुत ज़्यादा आपको एक्सपीरियंस आ गया, इसलिए अब आपको किसी के सजेशन की ज़रूरत नहीं है।
चलिए देख लेते हैं आपके लिए एक्स्ट्रा मैसेजेस, क्या बताना चाहते हैं यूनिवर्स आपको, क्या गाइडेंस है आपके लिए फ्यूचर में। इम्पार्शलिटी गाइज, आपको ना अगर हो ऐसा हो सकता है कि कुछ लोग ऐसे आपकी लाइफ में आ जाए, क्योंकि ट्रस्ट इश्यूज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, तो ट्रस्ट इश्यूज़ की वजह से हो सकता है कि आप जज करने लगे कि नहीं ये इंसान अच्छा है ये इंसान बुरा है, ऐसा आप थोड़ा सा जज करने लग जाए। बट आपको ये चीज़ें नहीं करनी है गाइस, बहुत ही माइनर सा जो आपने एक्सपेक्टेशन किया, फिर जो आप सोच रहे किसी पर्सन के बारे में कि ये पर्सन ठीक नहीं है मेरे लिए, बिल्कुल एक कुछ लाइट ऐसी चीज़ें, कोई लाइट ऐसा पर्दा है जो कि आप देख नहीं पा रहे हो कि उसके पीछे की अच्छाई क्या है, या फिर जिसको आप बहुत ज़्यादा अच्छा समझ रहे हैं आप उसके पीछे की बुराई नहीं देख पा रहे हो। तो आपको है ना थोड़ा न्यूट्रल रहना है, न्यूट्रल रहने के बाद में आप देखिए इंसान का बिहेवियर आपके टूवर्ड्स कैसा है, उसके बाद में ही आप कोई चीज़ डिसाइड कीजिए। गिल्ट की भी एनर्जी मुझे यहाँ पे ये दिखाई दे रही है गाइस, कि हो सकता है कि अगर आपने इस एनर्जी में आप आ गए, किसी को बहुत अच्छा समझ ले किसी को बहुत बुरा समझ ले, तो बाद में आपको गिल्ट हो सकता है कि नहीं मैंने ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो इसीलिए थोड़ा सा आप न्यूट्रल रहिए, आपको अपने आप पता चल जाएगा इंसान आपके लिए सही है या गलत है, ये चीज़ आपको अपने आप पता चल जाएगी। चलिए अभी के लिए कोई अगर मैसेज है यूनिवर्स के पास आपके लिए वो भी हम देख लेते हैं। मैच्योर वीमेन, हाई ऑनर, काफ़ी ज़्यादा मैच्योरिटी मुझे आपके पास में इस वक्त आती हुई दिखाई दे रही है गाइस। चीज़ें अपने एक्सपीरियंस से, जिस तरीके से लोग आपसे बिहेव किए हैं उन सब चीज़ों के कारण है ना आपकी सोल मैच्योर हो चुकी है। आपको पता चला है कि चीज़ें किस वे में आपको, व्हाट इज़ द राइट वर्ड फॉर दिस, आप क्विकली किसी भी चीज़ को लेकर जजमेंटल नहीं होगे गाइस आने वाले टाइम में। मुझे मतलब अभी से मुझे ऐसा लग रहा है आप पहले चीज़ों को परखेंगे, वन साइड स्टोरी पर आप बिलीव नहीं करेंगे, जब तक आपको दोनों भी साइड की स्टोरी पता नहीं चलती आप कोई डिसीज़न नहीं ले पाएंगे। तो ये एक मुझे आप के अंदर एक मैच्योरिटी आती हुई दिखाई दे रही है आने वाले टाइम में गाइस। एक बहुत बड़ा आपको सम्मान मिल सकता है, आपकी फैमिली में सम्मान मिल सकता है, जहाँ पर आप काम करते वहाँ पर सम्मान मिल सकता है, किसी सोसाइटी के लिए आप कुछ अच्छा करेंगे तो एक बहुत बड़ा मुझे सम्मान मिल सकता है। बहुत ज़्यादा मुझे 90% ये लग रहा है गाइस कि आप किसी के लिए स्टैंड लेंगे, किसी ऐसे पर्सन के लिए स्टैंड लेंगे जो कि आपके आपके अराउंड जितने भी लोग हैं उनके लिए वो हाईलाइट हो जाएगा, और आपको बहुत बहुत अप्रिसिएशन भी मिलेगा, आपको बहुत ज़्यादा ऑनर भी मिलेगा, इसलिए अप्रिसिएशन का कार्ड भी वहाँ पर आया था। तो ये एक बहुत अच्छा मैसेज आपके लिए गाइस। तो ये थी आपकी रीडिंग गाइस, प्लीज़ मेरा चैनल आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए उनके साथ जिन्हें ज़रूरत है। मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।